तुम बैठो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है? इंजॉय द ड्राइव, ठीक है? कुछ खाना वगैरह चाहिए तो बताना भाई, ठीक है? लेट्स गो। हाय एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, सलाम, कैसे आप डॉक्टर साहब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी निकले हैं ऑफिस से और आज मैंने पहली बार बाइक चलाई, मतलब मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। स्कूटी वगैरह तो मैं बहुत छोटे से चलाती थी, मैंने आज बाइक ट्राई किया और बुलेट तो मेरे को मतलब पहला बार ट्राई किया तो मैंने एवेंजर चलाई, इतना मज़ा आया, मैंने इतनी ज़्यादा किक मिली तो अब मेरा दिमाग दौड़ा है कि क्या बाइक भी लूँ क्या, बट अभी तो नहीं, बट यू नेवर नो। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि और क्या करते हैं आज, एक नई जगह आपको लेके जाएंगे, तो चलिए। तो जी मैं आई हूँ यहाँ पे किंगडम ऑफ ड्रीम्स के पास, लेजर वैली, यहाँ पे द वंडर कार्निवल हो रखा है और मैं एक्साइटेड हूँ अंदर देखने के लिए क्या है। ये पहले मुझे दूर से लगा कि मेला टाइप है, लेट्स सी अंदर क्या है, देखते हैं, कुछ नया ही है, लेट्स सी। मन किया कि कुछ करूँ, खुराफाती करूँ और पता नहीं झूले वूले तो मुझे डर लगता है, ऑफिस से सीधा यहीं आ गई तो ऑफिस के कपड़ों में ही हूँ, तो देखते हैं अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सा लग तो रहा है। यहाँ पे टिकट घर है, टिकट काउंटर है, अरे चलो देख के आते हैं। तो जी मैंने यहाँ से टिकट तो ले लिया है, अब करते हैं एंट्री, अब देखते हैं क्या खुराफात होती है अंदर, लेट्स सी। द वंडर कार्निवल, वाओ ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, ये ऐसे तो मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, क्या करूँ, एक घोड़े पे बैठ जाऊँ क्या? एक बार मैं कैलकटा में एक स्विंग में बैठी थी, घोड़े पे बैठी थी, घोड़ा ही टेढ़ा हो गया था यार, ये मज़ा आ रहा है देखने में। ओ वाओ यहाँ पे कायर राइड भी है, फन। मुझे यहाँ पे है भूत बंगला और मैं कतई अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे एक्चुअली फोबिया है, और जैसे जैसे आवाज़ें आ रही है इसमें, माय गॉड ये क्या है, मज़ा आ रहा है देख के बट मुझे डर भी लग रहा है। इतने झूले, इतनी रौनक है, वाह इतना कुछ है यहाँ पे, कोई तो राइड करना बनता है क्या, देखते हैं। ये साउंड देख रहे हो आप, जी हॉरर शो का साउंड था ये, अरे बाप रे बाप, ये यहाँ पे तो स्टेज वगैरह लगा हुआ है, अरे बाप रे, ये सारे फूड स्टॉल्स हैं यार। आज तो मैंने सोचा था कि मैं अपने इस वाले ब्लॉग में कोई खाना नहीं डालूंगी, बट कोशिश जारी है कि ना डालूं, बट मुझे ये लग रहा है कि एंड तक कुछ ना कुछ तो डाल ही दूंगी खाने का, मेरा ब्लॉग खाने के बगैर अधूरा है, अधूरा है। सो जी ये बर्गर कैफे है, वाओ बट ये फूड ट्रक है, दूर से अच्छा लग रहा है। ये एक मैं गेम खेलने आई हूँ, हाय भैया, ये कौन सा गेम है? थ्री शॉट्स, ये ग्लासेस गिराने मुझे, अच्छा मुझे लगा बॉल से फेंकना होगा, तो मैं ट्राई करूँ, सारे गिराने होंगे, सारे गिराने होंगे, इसमें मारो तो गिर जाएगा, आप हिंट दे रहे हो क्या मुझे, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है भैया जान। मैं जैसे ही गिफ्ट लेके निकली मुझे आवाज़ें आ रही है, ओ तेरी, मुझे बहुत डर लगता है यार ये, अरे बाप रे बाप, कैसे चीख रहे हैं सारे यहाँ पे, मेरा तो सर ही घूम जाए, मैं इसमें तो नहीं जाऊँगी, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती। अरे भाई ये क्या हो, तुमको मैं हाई कैसे करूँ, हाय कितने हाइट के हो गए? अरे मेरा एक चैनल है, बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब,
थैंक यू। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू अगर गिर गए तो डर नहीं लग रहा? तेज बोलो। सोनू पोज भी दे। तो जी मैं आई थी यहाँ पे वंडर कार्निवल में, ये आप वीकडे पे आई थी, आई थिंक वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को लेके आओ, फैमिली के साथ आओ, इतना मज़ा आया मेरे को। बिकॉज थोड़ा कम टाइम है, बिकॉज मेरे को एक और जगह आप लोगों को साथ में लेके जाना है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया। मैंने ये जीता और मुझे झूला भी झूला था, मुझे घोड़े में बैठना था लेकिन मैं नहीं बैठी, बट मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी ज़रूर। तो तुम बैठो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है? इन्जॉय द ड्राइव, ठीक है? कुछ खाना वगैरह चाहिए तो बताना भाई, ठीक है? लेट्स गो। मतलब मेरा भी, मैं सोची थी बताओ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं ऑफिस से निकली, मैं बस पास कर रही थी कि सोचा कि कहीं एक दो जगह और जाऊं, मेले में चली गई, वो भी ऑफिस के कपड़ों में। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर मैं सोचा छोड़ो यार, क्यों सोचना, कुछ अच्छा सा देखा तो एक्सपीरियंस करना था, कर लिया, इतना सोचना क्यों है? अगर आपको जिस चीज़ में आपको खुशी मिले कर लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए इतना। जबकि मैं ऑफिस, कोई वहाँ पे लोग नॉर्मल कैजुअल्स में थे, मैं ही एक ऑफिस के कपड़ों में, और मैंने पता गेम भी खेल लिया मुझे, और कुछ झूलना भी था, फिर सोचा नहीं छोड़ो, झूलते वूलते नहीं है, तो चलते अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, देखते हैं और क्या, कहीं नई जगह जाने का मन कर रहा है, लेट्स सी। तो जी मेले के बाद अब मैं आपको एक बहुत ही एलीट, बहुत ही मस्त जगह लेके जाऊंगी। ऐसे ही जाऊंगी मैं, अब चेंज वेंज नहीं कर रही मैं घर जाके। जगह की इम्पोर्टेंस है यार, जगह दिखानी है आप लोगों को, कैसे भी जाओ। तो एक अच्छी जगह लेके जाएंगे आपको, वो एरोसिटी में भी है, आप अभी आपको मैं बता दूंगी कि कौन सी जगह है एग्जैक्टली। वो वैसे तो एरोसिटी वाले पे मैं गई हूँ 2-3 बार, गुड़गांव वाले पे मेरा ये फर्स्ट विजिट रहेगा। तो चलिए चलते हैं। कहीं भी जगह जाओ, जब मुझे किया दिख जाती है ना तो अलग ही आनंद आ जाता है मेरे को, है ना, क्यों आता है ना। तो जी ये हम आए हैं वर्ल्ड मार्क। एरोसिटी वाले में तो जा चुकी मैं बहुत बार, गुड़गांव वाले में ये मेरा पहला विजिट है, तो अंदर कुछ अच्छा ही होने वाला है, देखते हैं। क्या अमेजिंग एंट्री है, वाओ, ये तो मैं ऐसे ही आ गई हूँ यार, यहाँ पे तो सच सवर के आना बनता है, बट कोई नहीं, जगह तो दिखा दे आप लोगों को। तो चलते हैं जी, एंटर करते हैं, गाड़ी पार्क कर दी है। ये नीचे का पार्किंग एकदम एरोसिटी जैसा, ये बस एरोसिटी में गाड़ियाँ जैसे ऊपर ऊपर चढ़ी रहती है, ये वो ऐसा नहीं है, बट स्पेशियस है बहुत पार्किंग। तो देखते हैं अंदर क्या है। देसी मेला से आए हैं हम एक एलीट जगह पे, ऐसे ही आ गए बिना तैयार हुए, बट वाह व्हाट अ प्लेस, ये वैसे ही बना हुआ है, यहाँ भी मतलब खाली ही है, ये सारे वीकेंड वाले प्लेसेस हैं, बट ठीक है कोई नहीं, लुक्स गुड। चले अंदर और देखते हैं क्या है। गजब रौनक है यहाँ पे तो, गजब, तो आओ फिर, मैं अकेले आई हूँ बट कोई नहीं, कभी कभी आपको अपनी कंपनी में इंजॉय करना, मैं तो अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ, बट सही है यार ये तो आना वगैरह। हाँ मुझे तो क्रिसमस की फील अभी से ही आ गई है, बट कोई नहीं, आप लोग कभी क्रिसमस का अलग फील कराएंगे। ये तो मतलब ये तो मुझे लग रहा है रात में आने लायक ही है, लाइटनिंग इतना सुंदर है, वाह, मतलब गुड़गांव ना, आप समझ रहे हो मुझे गुड़गांव क्यों पसंद है, हाँ मस्त है यार, वाह ना, यहाँ पे तो मतलब सुंदरता बढ़ती जा रही है, कौन सा कैप्चर करे कौन सा कैप्चर नहीं करे, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाह। ओह क्रिसमस सेलिब्रेशन है स्टार्टेड, संता भाई कैसे हो आप, पोज तो बहुत अच्छा मार रहे हो, जैसे मैं पोज मारती हूँ वैसे ही पोज मार रहे हैं, पोज मेरे से सीखा है सांता जी आपने। तो जी इस क्रिसमस में आप लोगों का कहीं और मिलूँगी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, गेस करो कि मैं कहाँ जाऊँगी, इतना आसान तो है नहीं, बट इस क्रिसमस में कहीं और होंगी, क्रिसमस कहीं और सेलिब्रेट करूँगी, तो आप लोग बताना कहाँ पे। तो जी जैसा कि मैंने बोला कि क्रिसमस में आप मुझे कहीं और पाओगे, तो गेस करो कि मैं कहाँ रहूँगी, इंडिया में ही है बट क्रिसमस में कहाँ सेलिब्रेट करूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज ना मुझे हर जगह टॉय शॉप ही दिख रहा है, टॉय दिख रहा है, एक को तो लेके मैं घूम रही हूँ, उसको मैंने एक नामकरण भी दिया,
जो मेरे गाड़ी में बैठा हुआ ना उसका नाम मैंने रखा है चीकू, है ना अच्छा नाम। चलो हेमलेस के अंदर चलते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कितने अच्छे से बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे अंदर मम को मेरा भी करना है बट इट्स सो गुड सो नाइस। इसमें बच्चों के लिए भी कितना कुछ हो गया है देखो सो नाइस। मुझे तो आज भी ना मुझे स्टफ टॉयज बहुत पसंद है। कानपुर में मेरा एक रूम है जो पूरा भरा हुआ है स्टफ टॉयज से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अभी भी। क्यों होना है बड़ा बड़ा करना क्या है। अरे ये रहे मेरे चीकू के फ्रेंड्स, ये देखो हाय निक्की हाय पिंकी, सारे मेरे चीकू के फ्रेंड्स हैं। चीकू के फ्रेंड्स को बुलाना पड़ेगा घर। अरे वाह कितना क्यूट सा है। चीकू के साथ भी फ्रेंड्स के साथ भी पार्टी करना पड़ेगा। ये सारे मेरे और चीकू के ना अमीर दोस्त हैं, सारे अमीर हैं यहाँ पे। जहाँ से मैं चीकू को लेके आई हूँ वो थोड़ा सा वो वैसा है, गरीब तो नहीं कहेंगे लेकिन मेरे चीकू के सारे अमीर दोस्त हैं। देख रहे हो जैसे मेरे दोस्त सारे अमीर हैं ना, मेरे चीकू के भी दोस्त सारे अमीर हैं। गुड़गांव में एक्चुअली ना बोर होने का भी टाइम नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए और आए दिन कुछ ना कुछ नया ही खुलता रहता है। मतलब आप देख रहे हो एक जगह मैं मेला गई थी, एक मैं यहाँ आ गई, ये किया ये थार, कौन सी अच्छी लग रही है दोनों ही प्यार। ये गुड़गांव मतलब दुबई सिंगापुर से कम नहीं लगता, क्या बिल्डिंग है यार, मतलब वाह। जहाँ जाओ किया वहाँ जाओ किया, ये किया वो किया किया ही किया, वाह। चीकू तुम्हें पसंद आया किया? और चीकू क्या हाल है तुम्हारे? बस ठीक ही हूँ। कैसा लगा तुम्हें वर्ल्ड मार्क? वर्ल्ड मार्क मुझे तो गाड़ी में छोड़ के चली गई थी तुम, ये बोलना नहीं था ना। तो क्या करूँ मेरा दम घुट रहा था। दम क्यों घुट रहा था? गाड़ी में दम ही घुटता है। मैं वर्ल्ड मार्क में जाके तुम्हारे दोस्तों से मिल के आई हूँ चीकू। ओहो वो तो बड़े अमीर है। तो अब तुम भी तो अमीर हो गए। तो इतना भागा दौड़ी के बाद सुबह से लेकर रात हो गई, अब जाके पहुंची हूँ मैं घर। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कैसा लगा आपको मेरा चीकू। चीकू चीकू करना है अब एडिटिंग स्टार्ट। आज के लिए बस इतना है। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, मेरे नए कॉन्टेंट के साथ। चलता है, बाय बाय, सी यू सून।